नमस्कार, मैं आचार्य उमेश बडोला लोकमत न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ भगवती के आप सभी पर कृपा बनी रहे, यही भावना लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ में आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो सबसे पहले गंगा जी का स्मरण करते हुए, तीर्थों का स्मरण करते हुए, जितनी भी पूजन सामग्री है सब में आप जल का छिड़काव करेंगे और उसके बाद आत्मनि करते हुए आत्मशुद्धि के लिए। तो यहाँ पर आप अगर मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आपने केवल 3 बार आत्मनि करनी है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप भी प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद हम पृथ्वी पर जहाँ हम बैठे हैं पृथ्वी का पूजन करते हुए स्मरण करते हुए प्रणाम करना चाहिए, तब जा करके हम अब घट स्थापना की ओर बढ़ेंगे। एक कसोरा लेकर के जो लकड़ी की पेड़ा चौकी हमने बनाई है उस पर इसको स्थापित करेंगे। उसके बाद हम कलश लेंगे, जो कलश हमने लिया है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। सबसे पहले हम घट में अक्षत डालेंगे, उसके बाद हरिद्र का कुमकुम डालेंगे, एक सुपारी लेंगे, उसके बाद ये हम दुर्वा चढ़ाएंगे। ये सप्त मृतिका है, बादाम गिरी पंच पल्लव लेंगे। जो ये जौ हैं इनको आप हल्के से गुनगुने पानी में भिगा सकते हैं पहले, और उसके बाद इनको इसमें बीजना है। फिर ये 9 दिन में जिसको हरियाली कहते हैं उसके रूप में आपके सामने आएगी। अब हम जो हमने कलश स्थापना किया है इसका पंचोपचार से पूजन करेंगे स्वस्ति प्रार्थना के साथ में। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिष्टौ अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। फिर हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी आपका पूजन किया है इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भगवान के आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर एक प्रदक्षिणा करें, साष्टांग प्रणाम करें। तो इस प्रकार आप घट स्थापना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी।